पहाड़ें सुंदर बनाया मेरा देश डोगरा, बूटे बूटे सजाया मेरा देश डोगरा। दिख मेरा देश डोगरा कार्यक्रम च दोस्तों तुहाड़ा सभनें दा स्वागत है। तो साढ़े डुग्गर विरसा पेज दा प्रयास है कि अस ग्रां ग्रां दी संस्कृति सभ्यता इतिहास तुहाड़े कन्नै सांझा करचै। अज उधमपुर जिला ते उधमपुर तहसील दे अंतर्गत आने वाला उधमपुर ब्लाक दा गै इक बड़ा सोहना एक मंदिर है, देवस्थान है, वह है माता बग्गे दा मंदिर। बग्गे माता मंदिर दा इतिहास, इत्थों दी संस्कृति, इत्थों दी सभ्यता, इतों के लोगों की गल कथ साझा करी, तो खास करिए माँ भग्गे माता का आशीर्वाद तुहाड़े तक पहुँचाने का प्रयास करने। आओ पहले मत्था टेकने, तो फिर इतों का जी खास करिए अस देखने आबो हवा, इतों की खूबसूरत जी अस कर दिखाने फरफर झुलती हवा है, वो वातावरण भी तुहाड़े कन्नै साझा करी, इतों के लोगों कन्नै गल कथ भी करने। जय माता दी। दोस्तों किशनपुर कोला अगे आउंदा ग्रां दरसू, और दरसू ग्रां दा यात्रा शुरू होंदी है माता बग्गे दी। लगभग कोई 1.5 किलोमीटर दा ढक चढ़ी है, तो फिर उपर अस दिखने टाप ते उपर एक मंदिर है। इस मंदिर दी बड़ी आस्था लोकें दी, उत्थे हुण मत्था टेकने ते माता रानी दा आशीर्वाद उह तुहाडे तक पहुँचाई, फिर इत्थों दी जिहड़ी पूरा इतिहास है उह तुहाडे कन्नै साझा करने दा प्रयास करने। दोस्तों ये जिहड़ा मंदिर है बड़ी शक्तिपीठ के नाम कन्नै लोग इत्थे अपनी आस्था लेइ आउंदे, कोई भी मन्नत पूरी मंगन तो माता रानी समय कोला पहले पूरी करती है। इत्थों दे मुख पुजारी ने उनके कन्नै गल कथ करने। पुजारी जी केह नाम तुहाडा? मेरा नाम शंकर दास। शंकर दास जी, माता दा स्थान है बड़ी उच्चे पहाड़ी दा उपर आई है माता इत्थे स्थान बनाया दा, किन्नी लोगों की आस्था है, कुत्थों कुत्थों दा लोग जिहड़े इत्थे आउंदे? सर इत्थों लोग अपना जम्मू का भी आते हैं, हीरानगर तो भी आते हैं, कठुआ का भी आते, हर जगह का लोग इतने जोड़े आते हैं, उधमपुर का भी आते, और साढ़े गाँव का लोग जोबन जो इतने आते हैं। कि मुख्यतः लोगों की जी मन्नत है पूरी होंगी है, कोई इतने नहीं दसदन के चढ़ावा चढ़ाते? देखो जी, इतने मीन चढ़ता गुड़, तो बाकी लोग अजकल सब कुछ चाढ़ते हैं, कोई फ्रूट चढ़ाता, कोई मतलब कोई डब्बा बर्फी चढ़ाता, लड्डू चढ़ाता, जो किसी की श्रद्धा है वो लोग चाढ़ते हैं। एक जियां अस दिखने भाई देव स्थान है, तो कोई वार्षिक ध्याड़ा भी होंदा, इत्थों दे लोग मुख्यतः जिहड़े इत्थे पूजा अर्चना करदे ने, तो कोई वार्षिक ध्याड़ा इहदा बनांदे हो तुसीं कोई? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी, इत्थे साडा की होंदा कि एक ते अस इत्थे तेकना हर महीने कहना देसी महीने दे पहले ऐतवार इत्थे भंडारा करने आं, अस हर महीने होंदा देसी महीना पहला ऐतवार, ते नरातें च साढ़े च पूरे च जिहड़े इत्थे कहना भंडारे होंदे ने। अच्छा जी, फिर इत्थे कना इस साल दी कना इत्थे कना ए एक बकरी भी दिंदे ने, दरसाल इंदी कुल देवी है, ए इत्थे बकरी दिंदे ने अपनी। जियां अस दिखने पे ग्राईं लोग जिहड़े होंदे खास करिए ओ देवियां ते देवतें दे उपर मतसर होंदे ने, कई बारी कोई बीमार पई आ, मंदा पई आ, ते डाक्टर कोल बाहर गै पुज्जण हुंदा, पहले सब तों वड्डे डाक्टर ही बैठे दे ने, ते क्या लोकें गी
अज भी उ आस्था इतने चला दी माता रानी पर गया सारी मतलब बिल्कुल जी माता रानी पर गया जो भी कुछ का अगर किश भी होता कोई माड़ी ढिड पीड़ पुड़ तो भी माता का मत्था टेक दे तेरा माता श्री नहीं बढ़ गया गुड़े दी अस ठीक होई अच्छा और माल मवेशी कन्ने भी वावस्था होंदे ने जिमीदार लोग माल मवेशी की कोई बिंदारा भी रोग लगी है तो भी माता का कहना मत्था टेक दे तो ठीक होई जांदा जी हुण फसल आउंदी है कोई स्योड़ी वगैरह वह भी चाढ़ते माता चाढ़ते जी दाने चाढ़ देते आनी है हर किने 6-6 महीने बिल्कुल दोस्तों ये लोगों की आस्था जी इतों के मुख्य पुजारी और साझा करा करते हैं हूँ इतों के कुछ होर माहू बैठे दिन उनके कन्ने भी गल कथ करने तो खास करिए इस मंदिर का की इतिहास है वह भी तौर तक पर जाने का प्रयास करने दोस्तों बग्घे माता का आशीर्वाद तुहाडे तक पजाया हुण इत्थे जिहड़ी कमेटी है खास करिए मंदिर सुधार वास्ते एक कमेटी चयनित होई दी है उनके सदस्य खड़ोते ने उनके कन्ने भी गल कथ करने की नाम जनाब तुहाडा मेरा नाम बलवान सिंह बलवान सिंह जी ये जिहड़ी कमेटी तुसीं इत्थे बनदी है कि काम दिखदे हो कि जिहड़े यात्रू कोई आउंदे ने उनके राती रहने का कोई सरिस्ता है जां जिहां हुण अगे नवरात्रे आने वाले नवरात्रे च मते सारी लोकें दी जिहड़ी आस्था हुंदी है माता दे उप्पर उल्लै की अरेंजमेंट करदे सर अस जेडे भी यात्रू आते हैं नवरात्रे च आते हैं जेडे तो उनके असें सर लंगर भंडारे का इंतजाम किया होता और प्लस वो रौने की व्यवस्था है जी इतने बनाए दी जो सराएं बनाई दी जी बना गर्दी आली और शैड है पिछे वह यात्रु अस ठहराने और रौने की पूरी व्यवस्था है कंबल वगैरह राशन की व्यवस्था सारी लंगर लगे दे होंगे इतने 24 घंटे उन्हें फलवार भी मिलता व्रत रखा हुआ जिन्हें फलवार बाकी आने खाना मिलता और जेडे इं भी यात्रा अगर रुटीन च आते महीने के हर संक्रांति की असें पहले ऐतवार की जग रखे तो होंदा एक तो उहदे च भी काफ़ी यात्रु आते हैं वह भी इत्थे शमूलियत करते और माता का आशीर्वाद लेंदे और प्रसाद ग्रहण करते हैं किन्ना प्राचीन मंदिर है कोई इतिहास दा पता है कौन मंदिर बनाया सर कियां ये मंदिर दी सर जिथे तक साड़ा मतलब असी जिहड़े साढ़े बजुर्ग सुनांदे हैं कि वह साढ़े बजुर्ग जिहड़े अदों चंबे दा आए तो उधरा चलते चलते वो कोई सुनाते कि कोई 3 भरा हे तो 2 कुदै पिछे गै रुकी गए बेचारे एक कोई फरल ग्रां च रुकी गए एक कुदै ओह्दे कोला पिछे कुदै तो एक बेचारे चलते चलते आनी है साढ़े इत्थे पुज्जी उपर टाप पर बगलियां जगह ना है उत्थे पुज्जे तो उंदे कन्नै कन्नै गै इक मतलब बकरी जिहड़ी उंदे कन्नै कन्नै गै चल पई और उन्हें कीता दा जिहड़ी देवी दियां संगलां हियां तो वह कन्नै कन्नै लियाई चुकी है फिर इत्थे उन्हें कीता उत्थे रुके उत्थे रुके उत्थे साढ़ा जिहड़ा देव स्थान बनाया गया उत्थे मतलब देवी दे जिहड़ी संगलां झुंडे होंदे तो उत्थे रखे दे ने और उत्थे साढ़ा स्थान है जिन्ने भी साढ़े बरादरी के घर इस थले बसी है फिर उन्हें कीता बकरी की पिट्ठी पर संगल रखी फिर वह बकरी दराह चली चलती चलती जगह ये जी शार्टकट जगह उपर बड़ी चढ़ाई है खास तो अज भी उत्थे मतलब साढ़े बजुर्ग सुनाते असें भी दिखे दा कि बकरी के जेडे पैर न उस उन्हें पत्थरें पर लगे कि चढ़ाई बड़ी खड़ी फिर उधरा आते आते बकरी इत्थे रुकी तो फिर वो संगल जी रखी इतने पिछले माता का गैर है माते का गैर जो उस टाइम के जी जदों के कोई महाराजा है जेडे भी कोई शासन है उन्हें उस टाइम 72 कनाल रकबा माते की मतलब डोनेट किया था जिसी आखते कि विदाउट मतलब मालिया जो होंगे जे जिस जजी आखते पहले कि मालिया माफीनामे 72 कनाल रकबा माते का गैर हा और वह जो संगल उत्थे रखुड़ियाँ अज भी वह संगल उत्थे एक कमरा बनाया गया वह भी इं मतलब माता के कोई प्यारे भगत उन्हें भी योगदान दिता तो कमरा बनाई अच्छी संगल रखी दी और जी साढ़े साल के बाद मेल होंगी उन्हें संगल अस इतने लियाने साढ़ी बरादरी के मतलब जिन्हें भी घर हैं थल उनके मतलब घर 2-4 घर जिन्हें अज भी जेडे माता दी संगल घर घर स्थापित ने और ये फिर वह बकरी उधरा आई तो इतने बैठी जल्द इतने बैठी उस वेले उन्हें उत्थे दे इत्थां दा जिहड़ा जदों साढ़ा जम्मू कश्मीर का शासन होग जां जिहड़ा भी होग तो उनके सहयोग कन्नै फिर इत्थे कीता देवी की स्थापना होगी ते देवी जिहड़ी ये महामाया ये महाकाली रूप है और उहदे कन्नै गै मतलब महाकाली रूप दे स्थापना कीती जिसलै उहदे कन्नै इक उहदे कन्नै इक लमकड़ा बीर दी स्थापना होई फिर इत्थे सिर्फ इ'यां मतलब दीवार ही नहीं उस टाइम का जिहड़ा समें हा सर उहदे अनुसार जिहड़ा भी जिन्हें कीता दा बजुर्गां चलो फिर उहदे बाद साढ़े कन्नै गै जिहड़ा गुढ़ार ग्रां लगदा फिर जिहड़े बजुर्ग होंगे बेचारे उन्हें चलो चौ लोकें अपनी कोई कमेटी बनाई उसलै जिहड़ा जिन्ना हारा चलदा हा उसलै चलाया फिर पंडित देवराज होर उधमपुर दे वो तकरीबन कोई
70 75 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ 80 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਰਹੇ ਕੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 50 55 ਘਰ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇਵਰਾਜ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲਗਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸੂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਰਾਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਦੀ ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਗ੍ਰਾਂਏ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕਠੂਕੇ ਸਾਂਭੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਵਰਾਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨੂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੰਦਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਕੁੱਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹਲੇ ਕੁਤੇ ਜਾਗਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਲਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕੰਨੇ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਅਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਸਕਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਪੱਗ 'ਚ ਅਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਖਾਸ ਕਰੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਕੂਟ ਪਰਬਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮਾਤਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸ ਇੰਨਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਤਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਔਰ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਆਹਦੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਵੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਕਸ਼ਕ ਨੇ ਰਕਸ਼ਕ ਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਖਦੇ ਉਹਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਸੈਨਾ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਫੜੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ 1934 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਔਰ 47 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਅਤੇ 2002 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਗੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉੱਧਰ 1939 ਔਰ 45 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਿਸਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਮਤਲਬ ਆਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਗੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਛਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰ ਬਚੀ ਆਏ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੀ ਸਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਡੋਗਰੇ ਕੀ ਮਤਾ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤ੍ਰਿਕੂਟ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਜਗਦੰਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਸ਼ੇਨਾੜੀ ਆਈ ਹੈ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਸੂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਬੱਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾ ਦੇਣ ਉਹ ਕੁਛ ਗੀਤੜੂ ਵੀ ਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ
माता दी जी पहले दस्या भाई असीम कृपा साढ़े डोगरें पर है तो साढ़े डोगरे कलाकार खास करिए राम दित्ता तो उनकी जिहड़ी पार्टी है अज बग्गे माता दे इस दरबार पर आई है एक भेटा गा करदे ने नचा दे इंदे कन्ने भी गलकत करने तो माता पर किन्नी आस्था इंदी वो भी अस थोड़ा कन्ने सांझा करने का प्रयास करने थोड़ा स्वागत है एक गल थोड़ा पुछना चाहना भाई कलाकार जिहड़े खास करिए माता रानी कन्ने बड़े ज़्यादा जुड़े दे गुड़े जुड़े दे पर अज पता नहीं माता रानी ने किश दूर कर दिया वो पता नहीं की कृपा आई माता रानी दी लोकें पर होई सकदा कोई साढ़े कोला भुल होई दी होवे कि जिहड़ी असेंगी ऐसी मुसीबत जां यह भी तो होई सकदा कोई साढ़े कोई ज़्यादा कोई प्रभाव है इस चीज़ का तो माता रानी ने असेंगी कोई एह्दे कोला बचाइए रखे दा यह उंदी गै कृपा है माता रानी दी गै कृपा है कि जिहड़ी अस अजे तक अस सेफ हाँ साढ़ा एरिया भी तकरीबन सेफ है तो अस एह्दे कोला दूर गए तो चलो उऐ माता रानी असें रखे दा जो भी है असेंगी उऐ बचाने वाली है जिहदा गुणगान गाते रखिया भी उऐ करती है उऐ करती है। एक चीज़ होर है कि जियां साढ़े जम्मू दे विच अस दिखदे आं कि मते सारे जिहड़े तुहाड़े जे कलाकार ने जी सर माता रानी दा गुणगान करते हैं तो अपनी रोजी रोटी भी चलती है बिल्कुल सर अज माता रानी ने की दूर किया सरकार ने भी दूर कर लिया कोई उन्हें पुछ लेने मतलब पुछने वाला एम नहीं है कोई माता रानी की चलो कोई भी उनकी कृपा तो साढ़े पर बनी दी गई ही लेकिन जी साड़ी सरकार है उन्हें भी साढ़े पास कोई तवज्जो नहीं दी है किसी किस्म का भी ये अठवां महीना जो लगे हम अठ महीने होइए न कि असें भी साढ़ा भी जो रोजी रोटी का जो भी है दर बदर इस चीज़ पर हा अज की डेट से अस बिल्कुल गै मतलब एक तला हों कि भी बरखा या पानी का कोई साधन हों तो बराबर रहा है तो अगर कोई नहीं बरखा नहीं हो कुछ भी नहीं हो तो वह भी सुकी जाता है इस वजह कहने के अज साड़ी जी हालत है बड़ी गै खराब हो चुकी दी है क्योंकि असेंगी कोई गौरमेंट की तरफा भी कोई इसल इं तो असेंगी वह भी कोई साढ़ा असेंगी तो इतने तक कि जो सा कोई पहले का बकाया होगा असं भी तक नहीं मिले एक चीज़ जी आखते भी कलाकार उत्थान वास्ते सरकार ने अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जी बनाई दी है जी जी उन्हें कलाकारें रोजी रोटी वास्ते बिच बिच प्रोग्राम दी रही है जी 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 अज की डेट से अस दिखा करने कि वह भी मेरे ख्याल से साढ़े कन्नै मतरे भाव गै करा करते हैं कलाकारें करने कि उन्हें पूछा दे नहीं जे पैदल भी काम किए तो उन्हें अली जी मेहनताना नहीं दिया करते इस मौके क्या उनका फर्ज बनता हाँ कि अपने अनुयाय न अपने कलाकार जो होंगे वो एक बच्चे के बराबर के होंगे कि जिंदे पर रोजी रोटी चला कर बिल्कुल सर अस भी ये सोचने कि अगर जिस वे सारा कुछ चला था तो उस वे भी साड़ी संभाल लेंदे हे लेकिन इस लाकडाउन से उन्हें भी साड़ी कोई किसी किस्म की सामभ संभाल नहीं की है कि अस भी इे गल सोचते हे कि चलो इंदे पिछे गए अस भी थोड़ा साढ़े भी रोजी रोटी जी चला करती ही उपराला तो साढ़े पर टेढ़ी इन्ना चिर हो लेकिन सरकार की वह भी ज्यादा हो गई उपरा ने नजर टेढ़ी की थले लक त्रुटी लक त्रुटी उड़िया लाकडाउन कर एक चीज़ है जिया अस दिखने भाई बहुत सारे होर भी कलाकार जो सिंगर न जी जी साढ़े खास करिए जो साज बाज वाले कलाकार न जी जी वो सारे भुखमरी के शिकार हुआ करते हैं अगे हूँ जी नरात वाले ध्याड़े आवाज है तो कि रौनक होंगी ही माता रानी की और किन्ने लोगों की कार्यक्रम मिलते हैं बिल्कुल मते सारे जागरण होंगे जिन्ने खरे सारे जो नौ नराते होंगे हे ये एक साल का मतलब है असेंगी ये पर बड़ी बड़ी आस होंगी कि जो भी काम है नरातें पर असेंगी कोई बेल नहीं होंगी जो पर बड़ा दर बदर हों कई एरिए ऐसे न कि जिसे ये पर बड़ा उन्हें दर बदर रखे दा लेकिन वो सारा कुछ गया बिल्कुल गया खत्म हो गया अखीर एक सवाल जी सर आखते जल्द कोई नहीं सुनता तो भी परती उगे सुनती उपरा लगे पुकार करा करते हो अज इसे बगे माता दरबार पे बिल्कुल जी इे तौले माता खुले मेरे ख्याल रस्ते ये माता रानी की गै मेहर है कोई तो अगर उऐ इन्हें सरकार की भी माता रानी गै कोई कि इनकी सिख मत दे क्योंकि साढ़े भी पास की कोई साढ़ा भी चेता होगा उन्हें लेकिन अजे तक तो कोई नहीं आया है लेकिन फिर भी असें वह अगे गए डंडोरत है जी माता एक चीज़ हो रहा है कि साड़ी डोगरी भाषा पहले अठवें शड्यूल च आए तो बड़े बड़े हुई है पर उसी ओका टकोदा थार नहीं थोया सुने थोड़ी हलचुल हुई है फिर डोगरी भी वो मुकाम थोन लगा तो डोगरी कलाकार होने नाते कि फक्र महसूस होंगे अपने आप जी असेंगी डोगरी का अगर कोई ना भी लेंदा है तो अस उदे विच बड़ा साढ़ा असेंगी सहारा मिलता है कि बढ़ावा मतलब शाबाश मिलती है कि डोगरी साड़ी भी कोई कुसै पास सुनवाई हुई है लेकिन असें अज तक भी इसी चीज़ा की थोड़ा जहा संभाली रखा दा है लेकिन अजें तक तो पिछे तो यदि कोई खास नहीं
अगे कोई बदने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हूँ असी कोशिश हूँ लगातार हूँ। एक चीज़ होर थोड़ा मैं पूछना चाहना कि तुहाडे तक तो ठीक है, तुसीं अपने पुरखियों को सांभी विरसा जिहड़ा अगे चला सकदे हो, अगे आने वाली पीढ़ी क्या इस पक्षी तुहाडा कन्नै सहयोग दिया दी दिया दी असें जिहड़े कि तकरीबन मैं अपने लैवल पर आखना कि जिहड़े मैं तकरीबन 5-6 जिहड़े जिहड़े मेरे शिगिर्द जिहड़े बनी चुके ने, असें मेरी इयै कोशिश है कम से कम भी कि जिन्ना इसी चीज़ की अगे बधी जा उन्नी अच्छी है। राम दिता जी एक और सुना जी, अगर कोई गीतड़ू फरमाइश की जा, क्योंकि साड़ी संस्कृति का बड़ा मतलब एक डूगा रिश्ता है गीतड़ू करने की, एक सुना जहा गीतड़ू दोस्तों, एक सुना जहा गीतड़ू भी इंटर को सुनने तो भी और कुछ कलाकार मन टटोली उनके मन की गल भी थोड़े तक साझा करने का प्रयास करना। ਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀਓ ਉੱਪਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਾਸ, ਓ ਲੋਕੋ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਾਸ, ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। दोस्तों इस रंगारंग कार्यक्रम के जिहड़े कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देई है तुंदा सभने का मनोरंजन करा दे, इंदी मना की गल सुनचै, इंदी मना च भी किश गल्लां दबोई दियां वो तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करना, ये डुग्गर विरसे का काम है। भाई जी की नाम है तुहाडा? संसार चंद शर्मा। संसार जी ना तो संसार है, मतलब संसार तो बड़ा वड्डा है, तो संसार के असं देखिया मतिया सारी बोलियां बोली जांदियां, पर उस संसार के एक बोली है डोगरी बोली, आपके मिश्री स्तोल है, किन्ना फख्र महसूस होंदा उस बोली की बोली है तो उस बोली की गाई। बड़ा मज़ा आता ये डोगरी भाषा एक साड़ी इन्नी मिठी भाषा कि अक्खरी गल नहीं, मतलब बाकी भाषाओं को डोगरी जी बड़ी ही शैल भाषा, ये जो भी ये भेटा भजन अपने किश भी अस गाने बजाने जा गीतड़ू गाए जा कियां ये किश अलग ही आनंद आता। मतलब जी तुस आखदे मिठी बड़ी है मिश्री से तुर लै, पर लोग तां भी नहीं बोलते खरे मिठे कोला डरदे ने, शुगर नहीं होती नहीं वो तो है, वह लेकिन अजकल तुसें पता कि जेड़ा जमाना आई है ना ये अपना मोबाइल सिस्टम वाला, तो इन्हें बनना चाहिए कुसै कने है नहीं है जी अजकल की आबादी जी चला दी है, बस पहले जे चार भरा किट्ठे होंदे ने ते वो के करदे एक दूए ने प्रेम भाव डोगरी च गलबात करनी, रिश्तेदारी पुछनी, सुख सांभ पुछना, सारा कुछ पुछना, अजकल की जी आबादी है अजकल की जनसंख्या बस इं करियै ते न्यू छुड़े कसाई सारे कुसै कने हमदर्दी नहीं, कोई गल नहीं, प्रेम नहीं, लैन नहीं, देनी, बस उऐ मोबाइल गै मां ते उऐ बब ते उऐ सारा किश, कोई इक नहीं मरी जाओ कम दसी 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 उठ बजे तक कम कर जा कि देना
अज कल जागत वह नहीं करते डोगरी साड़ी भाषा एक बड़ी मतलब बस वो चीज अं पहले सुनाना बस उ चुड़की आला बस है ज मोबाइल आला बस है बाकी कुछ ने हमदर्दी आख्या कोई तो इन्हें है नहीं कोई कुछ ही पुछना सुख सांत है कुछ ही केह आखना मतलब के है नहीं मतलब कोई प्रेम भाव एक गल हूँ अस देखिए जल्द पुराना वेला चेता करचे जी साड़ा बचपना है जो थोड़ा बचपना है जी उल्लै जल्द कुत ग्रां च कोई ब्याह कार्ज होना त्यू भैन का तो पूरा ग्रां के जोड़े नौजवान किट्ठे हुई है उस कार्ज भी रहा है जी सगले ढोने डाण कड्डना भी पैनिया जल्द धाम खिलाते सारे बरतावे बनते हैं जी जी वह वेला तो अच्छ ज अच्छ आखते भाई जो कुछ धामा भी जाना हो तो सूट बूट घर पाइए जाओ पेंटे जेबे हथ पाई जाना तो उत्थे खुलियां च रुट्टी थोंदी पर वह पुराना चंगा हा जो सरिस्ता साड़ा डोगरे दा हा वह पहला बड़ा शैल हा जेड़ा के बीया बालिया खिलाते हैं एक दूए ने प्रेम भाव ने चलो जी साढ़े घर अज धाम है मतलब कल तो शाम बेले भांडे भूडे किट्ठे करने फिर वह करना मतलब के डान शान कटाना सारा मतलब रसोई का समान सारा के बनाना प्रेम भाव ने गलबात करनी दूए दिन फिर कम शम कराना फिर मतलब सारा वह करिए जल्द धाम बनी तो बेहिया बीया बालिया खिलाते होंगे हे तो अजक वह सिस्टम नहीं रेहता कि जड़िया जीन्स अजकल चली गई ना पैंटा ये लफना गै नहीं दिदियाँ बूट गोडे गोडे धोड़ी तस्मे बनने दे खोलने कोने अगे अगे पंत पूर्णौती करानी तो करना तो सारे परोह जाओ परोह जी ए आखो तो सारे पूर्णौती देने आ ते सारे इसी के समझते कि जेड़ा जग हवन करा दा वो तो करा दा लेकिन पूर्णौती देने ने के होंदा हा कि सारे मतलब के इंदा भी जग होई गया उस महत्व समझते हे ते अजकल आखो ना नौजवानें चलो उत्थे पूर्णौती देने वास्ते ते वो बूट कोने खोलने ते पैंटा कोने वो आखदे जेड़ा रौली नहीं पाया जा उत्थे जाइए ते आपू दे पूर्णौती ते वो कम है जेड़ा आवा दा ये साडे मापे दा भी कसूर है जां उंदा बच्चे दा कसूर है असें भी नहीं दस्सिया उन्हें ये हुण नवीं जनरेशन गै जाने ये आस के आखी सकदे मतलब और संसार चंद जी जी हुण ब्याह दी गल चली ते ब्याह पर के मैं पुछना पहले ब्याह जिल्ले जाना ते बेदी विच बैठे दे लाड़े ही बड़ियां सिठनियां सुनंदियां कई बारी डूना मन साइड दे ते डूने कन्ने भी बड़ा मजाक चलदा और उन्दे च सहन शक्ति किन्नी ही तलवार मुंडे बाई आंदी होवे ते उसे गड्डे अज आखी दिखो कुसे मजाक करी दिखो अज कोई सहारदा मजाक बिलकुल कोई नहीं सहारदा ना सीटनियां देने आले रे ते करो कोई कोई मजाक ते अस तुस मजाक कराने ते बाहर दो बंदे दिखा दे जेहड़े ते एक बारी निकलना दियो उस मजाक करने आले दिखो पकड़दे जीजे ने लक्क भी त्रोड़ी खट्टा पलटी पलटी वह महाराज इं साढ़े स्या स्याने सुनांदे मतलब बजुर्ग ओह आखदे बी बैठी होनी ते पिछुआं उंदा पेंट कोट ते पंदी कन्नै गै सी उड़ना ते जेल्लै उठना उन्ने रुट्टी खाने ते पता गै नहीं होना ते पिछुआं कोट सीता है जेल्लै उठे सने पंदी च कोई जाने ओह जे मजाक भी होंदे होंदे इ'यां अस सुनदे मतलब के अज्ज मजाक कोई करी जानता गै नहीं आया इक दूए करो मजाक इक गल आखने दा भाई ओह लोक हे मिंत कश जेहड़े मिंत कश लोक होंदे जिगरा भी है सहन शक्ति भी है अजकल कम धंधा नहीं है सिर्फ नूठे की कमाई है तो सहन शक्ति कुत्थों होनी लगा रही है हुण इक तुहाडा इक अस फरमाइश करना चाहते अपने दर्शकें लई साड़ियाँ भाखा भी बड़ी डूबिया एक सोहनी जी भाख साढ़े दर्शकों लिए थोड़ा सुनना चाहती कोई नहीं सुनाने तुम बैर बराबर
ਸੱਤ ਚੌਕਾ ਬਰਗਦਨੀ ਹੈ। इन्हें धारें च इन्हें जाड़ें च इक माणू इकला गा करदा, प्रीत नहीं छोड़ियो भाषा कन्नै ये माणुएं गी समझा करदा। दोस्तों दिख मेरा देश डोगरा दी अज दी कड़ी दे विच जिस ग्रां दी संस्कृति सभ्यता ते भाषा असीं तुहाडे कन्नै सांझा कीती है सचमुच वह पहाड़ी क्षेत्र दा ग्रां है और खूबसूरती बेहद है। अस दिखा करने भाई इत्थों दी आबो हवा भी इन्नी प्यारी है। अस शहरां च रहिंदे आ ते अज पसीने पुंजी पुंजी बस हुआ करदी पर इत्थे फर फर झुलदी हवा है, मौजां वज्जदियां ने, मन तो नहीं करता पर समय इतने मजबूर। अज की कड़ी अज का अंक इतने के संपन्न करने के थोड़े को आगे चाहते हैं। हाँ अगर तुम भी असें कुछ अपने ग्रां च बुला हो तो सा खास कर जरा लिंक भेजे हों उस लिंक के उपर सू मैसेज करो जानू फोन करो, साढ़े नंबर भी बेच चला करते होंगे। अगर तुम भी अपना ग्रां बुला तो डुगर विरसा की टीम जरूर तुहाड़ा ग्रां भी फेरा पाग और तुहाड़े ग्रां की संस्कृति सभ्यता भाषा भी अपने पेज के उपर जरूर लोगों को दसेंगे। जय माता दी।